अनलिमिटेड चाइनीज बुफे और आइटम इतने कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यहाँ पे है चिकन, प्रॉन्स, फिश। पनीर और मेरा फेवरेट चिकन ड्रम्स ऑफ हेवन। और ये कुछ भी नहीं, अब आपको बताते हैं, लॉबस्टर्स और सुनिए क्रैब, और क्रैब के बाद सुशी और भी बहुत कुछ। आइए हमारे साथ। रेस्टोरेंट है चाइना बिस्ट्रो, लोकेशन वर्ली, हाजी अली के पास। ये वर्ली के टावर्स और ये सामने रेस्टोरेंट में दो चाइनीज योद्धा आपके स्वागत में। और इस रेस्टोरेंट को टाइम्स फूड अवार्ड भी मिल चुका है। ये रहा एंट्रेंस, आइए यहां से अंदर चलते हैं। और एंट्रेंस के राइट साइड में ही इनका एक सीटिंग एरिया है। कुल मिला के इनके यहाँ 3 सीटिंग एरिया है, जिसमें ये पहला और यहाँ से लगा हुआ बुफे सेक्शन। बुफे सेक्शन को हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। अब ये रहा सीटिंग एरिया नंबर 2। एक और सीटिंग एरिया है, मगर हमारी आज की बैठक इसी सीटिंग एरिया 2 में है। और यहाँ से ये कॉमन गलियारा बुफे सेक्शन की तरफ, और दीवारों में कुछ आकर्षक म्यूरल्स लगे हुए हैं। आइए एक नजर बुफे मेनू कार्ड पर। वेज 908, नॉन वेज 968। और ये रहा इनके आज के वेजिटेरियन ऑप्शंस। और यहां पे है नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस। और यहां पे है राइस, नूडल्स और डेजर्ट। सूप और स्टार्टर टेबल पे सर्व होगा। मेन कोर्स के लिए चलते हैं बुफे सेक्शन पर। पेश है एक नजर इनके पूरे बुफे सेक्शन का। इनका ये वेजिटेबल डंपलिंग इन चिली सॉस काफी स्पाइसी लग रहा है। और ये रहा द वेरी फेमस थाई ग्रीन करी। बाकी इधर है राइस फ्राई और नूडल्स। मेन कोर्स में नॉनवेज सेक्शन काफी अपीलिंग है, जैसे फिश, ग्रीन चिली सॉस और इसके बाजू में रखा हुआ क्रैब इन माउंटेन चिली। लॉबस्टर इन चिली बेसिल सॉस भी कम अपीलिंग नहीं लग रहा है। और ये हॉट एंड नपकिन चिकन में भी रेड चिलीज काफी डाले हुए हैं। और ये चिकन इन हॉट पॉट सॉस, ये भी काफी यमी दिख रहा है। और ये रहा सुशी विथ मैंगो एंड वेजिटेबल्स। और इसके राइट साइड में पूरा डेजर्ट सेक्शन।
मुंबई में मेनलाइन चाइना ने अपना बुफे बंद किया हुआ है, इसलिए चाइनीज बुफे के लिए मुझे ये एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है अभी मुंबई में। रुपीज 968 में कितना वैल्यू फॉर मनी है, आइए पता करते हैं। तो ये रहा हमारा वेलकम ड्रिंक लेमन आइस टी। सभी सूप और स्टार्टर्स टेबल पर। ये रहा गर्मा गर्म वेज सूप और ये रहा गर्मा गर्म नॉन वेज सूप। हॉट पॉट चिकन सूप में चिकन के पीसेस देखिए कितने सारे, और सूप के साथ सेजवान, सोय और विनेगर। सूप में दम तभी आता है जब आप उसमें सोया सॉस और विनेगर डालते हैं। और अब हमारा स्टार्टर्स का शुरुआत। स्टार्टर्स को साथ देने के लिए ये किमची और दो तरह के सॉस। चिकन वेंटॉन का फिलिंग वॉज ग्रेट। और जायका बदलने के लिए ये लेमन चिली पोटैटोस अच्छे थे। और ये रहा चिकन शुमाई, मोमो जैसा ही मगर ऊपर का कोटिंग बिल्कुल पतला, कहे तो ना के बराबर, और सॉस के साथ काफी फ्लेवरफुल। प्रॉन्स इन सॉल्ट एंड पीपर में, सॉल्ट एंड पीपर तो काफी कम मगर गार्लिक बहुत ज्यादा, और इसके कारण काफी फ्लेवरफुल। स्लाइस्ड फिश विथ फ्रेश चिली एंड कोरिएंडर वॉज क्वाइट टेस्टी, मगर फिश है वही बासा फिश जो बारबेक्यू नेशन में भी सर्व होता है। यहाँ का वेजिटेबल बेसिल डंपलिंग भी सुपर थिन कोटिंग, और यहाँ का पनीर चिली भी काफी फ्लेवरफुल। स्टार्टर्स में सबसे बढ़िया चिकन ड्रम्स ऑफ हेवन इन शैंगडोंग स्टाइल। एकदम हेवनली टेस्ट, शायद नाम इसीलिए ड्रम्स ऑफ हेवन पड़ा है। और अब चलते हैं मेन कोर्स के तरफ। वेज मेन कोर्स में स्टार अट्रैक्शन है ग्रीन थाई करी विद स्टीम्ड राइस। चाइना बिस्तरों में ये ग्रीन थाई करी वॉज अल्टीमेट। और नॉन वेज मेन कोर्स में मेन अट्रैक्शन है लॉबस्टर और क्रैब। ये लॉबस्टर और क्रैब मुंबई में बहुत कम बुफे में आपको देखने को मिलेगा। और ये क्रैब इतने बड़े और प्रीमियम है कि मुझे लगा कि 1000 रुपया का तो मैंने क्रैब ही खा गया होगा। और अंत में यहाँ का स्वीट डिश। स्वीट डिश में यहाँ वैरायटी जरूर कम है मगर 6 फ्लेवर के आइसक्रीम यहाँ रखे हुए थे। डेजर्ट में स्टार अट्रैक्शन है कैरेमल कस्टर्ड और आइसक्रीम। कुल मिला के 968 रुपीज में यहाँ का बुफे वॉज टोटली वर्थ इट। चाइना बिस्त्रो इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड।
दोस्तों।